मैं पहली बार सदन में आया हूँ और मैंने इतनी बड़ी जगह कभी नहीं देखी सर। मैंने जो नया सीखा है कि किस तरीके से जो पक्ष है वह अपने सुझाव देते हैं और किस तरीके से वह मतलब बाहर जाते हैं और दंगे फसाद जो भी है सर वो करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज बाल सत्र का आयोजन किया गया था, ऐसे में जो बालक हैं उनके द्वारा विधानसभा की सदन की जो कार्यवाही होती है वो यहाँ पर चलाई गई थी। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किए गए थे, लवीश जो है वो बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से जो है पद देखते हैं आप सदन के भीतर, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिला क्योंकि आप एक जिम्मेदार जो ही कुर्सी पर बैठे हुए? सर मैं पहली बार सदन में आया हूँ और मैंने इतनी बड़ी जगह कभी नहीं देखी सर, और जब मैं विधानसभा में स्पीकर की सीट पर बैठा तो सर मुझे बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हुआ अपने ऊपर कि मैं जो विधानसभा है उसकी सबसे बड़ी सीट पर बैठा हुआ हूँ। क्या कुछ नया आपने वहाँ पर जो है वो सीखा है? क्या आपने इससे पहले विधानसभा देखी थी टीवी में या फिर अपने फ़ोन में? सर मैंने फ़ोन में विधानसभा एक बार देखी थी और सर मैंने जो नया सीखा है कि किस तरीके से जो पक्ष है वह अपने सुझाव देते हैं और जैसे जो भी करते हैं सर वो, और किस तरीके से वह मतलब बाहर जाते हैं और दंगे फसाद जो भी है सर वो करते हैं, और सर जो स्पीकर की भूमिका है उसका सर मैंने बहुत ज़्यादा पता लगाया। कितना कुछ आपने आज जो है यहाँ विधानसभा से सीखा है और अपने जो आपके जूनियर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है जैसा कि मैंने अभी बता दिया है, और मैं जो जूनियर है उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी कोई मौका मिलता है किसी पॉलिटिक्स या किसी भी चीज़ में आने का, कोई भी कंपटीशन हो उसमें आने का, तो आपको बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेना चाहिए। एम क्या रहने वाला है आपका, अगर बात करें तो फ्यूचर में क्या एम रहेगा? सर मैं IAS बनना चाहता हूँ। IAS ही क्यों, राजनीति ज्वाइन नहीं करोगे? सर अभी जब से विधानसभा में आया हूँ थोड़ा थोड़ा राजनीति की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिलहाल के लिए तो IAS बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज बाल सत्र का आयोजन किया गया था, ऐसे में जो बालक हैं उनके द्वारा विधानसभा की सदन की जो कार्यवाही होती है वो यहाँ पर चलाई गई थी। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किए गए थे, लवीश जो है वो बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से जो है पद देखते हैं आप सदन के भीतर, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिला क्योंकि आप एक जिम्मेदार जो ही कुर्सी पर बैठे हुए? सर मैं पहली बार सदन में आया हूँ और मैंने इतनी बड़ी जगह कभी नहीं देखी सर, और जब मैं विधानसभा में स्पीकर की सीट पर बैठा तो सर मुझे बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हुआ अपने ऊपर कि मैं जो विधानसभा है उसकी सबसे बड़ी सीट पर बैठा हुआ हूँ। क्या कुछ नया आपने वहाँ पर जो है वो सीखा है? क्या आपने इससे पहले विधानसभा देखी थी टीवी में या फिर अपने फ़ोन में? सर मैंने फ़ोन में विधानसभा एक बार देखी थी, और सर मैंने जो नया सीखा है कि किस तरीके से जो पक्ष है वह अपने सुझाव देते हैं और जैसे जो भी करते हैं सर वो, और किस तरीके से वह मतलब बाहर जाते हैं और दंगे फसाद जो भी है सर वो करते हैं, और सर जो स्पीकर की भूमिका है उसका सर मैंने बहुत ज़्यादा पता लगाया। कितना कुछ आपने आज जो है यहाँ विधानसभा से सीखा है और अपने जो आपके जूनियर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है जैसा कि मैंने अभी बता दिया है, और मैं जो जूनियर है उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी कोई मौका मिलता है किसी पॉलिटिक्स या किसी भी चीज़ में आने का, कोई भी कंपटीशन हो उसमें आने का, तो आपको बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेना चाहिए। एम क्या रहने वाला है आपका, अगर बात करें तो फ्यूचर में क्या एम रहेगा? सर मैं IAS बनना चाहता हूँ। IAS ही क्यों, राजनीति ज्वाइन नहीं करोगे? सर अभी जब से विधानसभा में आया हूँ थोड़ा थोड़ा राजनीति की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिलहाल के लिए तो IAS बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशन स्पीक्स अब बोलेगा हिंदुस्तान।